वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार को पढ़ेंगे। ये पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास देखिए। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगी ये क्लास डेली आप दोपहर 1 बजे देख सकते हैं। इसके अलावा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हेल्प से आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आप पेड कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं कॉल या मैसेज करके। अदरवाइज आप UPPCS RO ARO जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करेंगे और कूपन कोड है ज्ञान सर जिसको अप्लाई करके आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं और तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हो गई कोर्स से रिलेटेड जानकारी, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं या आर्टिकल हैं वो 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे थे और संविधान के भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है जो सर्वथा उचित भी है। इसमें एक लंबी और एक विस्तृत सूची न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। तो संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया। पहले देख लेते हैं सारे। सबसे पहले समता का अधिकार दिया गया है जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक उल्लिखित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक है। फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 दिया गया है। फिर सिक्स आता है संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया आर्टिकल 31 में आता है। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। ये दिया भी गया है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इस तरह फिलहाल में 6 मूल अधिकार ही हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और इनको एक एक आर्टिकल के जरिए से अब हम लोग आगे समझेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं इसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। जो आर्टिकल 12 है इसमें परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा के तहत बताया गया है इसमें भारत सरकार और संसद आएंगे, राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल आएगा, सभी स्थानीय प्राधिकारी आएंगे और इनके साथ अन्य प्राधिकारी। सामान्यतः न्यायपालिका इसमें नहीं आती लेकिन जब राज्य की परिभाषा में ये भी शामिल की जाएगी जब न्यायपालिका प्रशासनिक भूमिका का निर्वहन कर रही होगी। इन सभी को राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। फिर आता है आर्टिकल 13, ये मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के संबंध में है। जब हम लोग भारत का मूल ढांचा पढ़ रहे थे ठीक है तब हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 13 को। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये संविधान की विधियों के संबंध में दिया गया है जिसमें आच्छादन का सिद्धांत पढ़ा था, पृथक्करण का भी सिद्धांत पढ़ा था और इसी के तहत बताया गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। फिर जो हमने पहला अधिकार पढ़ा समानता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आते हैं। पहला अधिकार यही समझना है। तो सबसे पहले है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार जो आर्टिकल 14 में दिया गया है। मैं डिटेल में समझाती हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा तो इस क्लास को पूरी तरह ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ऐसा आर्टिकल 14 में दिया गया है। अब इसमें किसी व्यक्ति, व्यक्ति वो हो सकते हैं नागरिक हैं या फिर गैर नागरिक हैं, इसमें पुरुष महिला ट्रांसजेंडर सब आएंगे ठीक है। तो इनको विधि के समक्ष समता से क्या मतलब है, समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और विधियों के समान संरक्षण का अर्थ है कि असमान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार। अब इसका मतलब क्या है, तो राज्य द्वारा जो समाज के वंचित वर्ग हैं इसके लिए कुछ सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है।
यही दिया गया विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से आर्टिकल 14 में। तो इस आर्टिकल के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन असमान स्थिति में रहने वाले या जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य भी करेगा। फिर आता है आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अब इसका मतलब समझिए। अब एक एक करके सारे जो तथ्य हैं मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, सुनेंगे तो स्टेटमेंट वाइज अगर प्रश्न आते हैं तो गलत करने की संभावना कम हो जाएगी। तो आर्टिकल 15 के तहत नागरिकों को कई अधिकार दिए गए। जैसे पहला अधिकार ये है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है, राज्य दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हैं इन पर प्रवेश या राज्य निधि से निर्मित कुएं, तालाब, स्नान घर हो गए, सड़क हो गई, सार्वजनिक समागम के स्थान हो गए या इनके उपयोग से किसी भी नागरिक को प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। इसी आर्टिकल के तहत एक और बात कही गई है, राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध भी कर सकता है और राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक हैं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग हैं इनके लिए विशेष प्रावधान भी कर सकता है। ये सब कुछ आर्टिकल 15 में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं जो कि समानता के अधिकार में आएंगी। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। अब ये क्या है, तो सभी नागरिकों के लिए लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करेगा राज्य। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान इनमें से किसी भी आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा ये आता है, संसद विधि द्वारा लोक नियोजन में निवास को नियोजन या नियुक्ति के लिए आधार बना सकता है। जैसे आप किसी विशेष राज्य से आते हैं तो वो राज्य ये सुनिश्चित कर सकता है कि इसी राज्य के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कुछ ऐसा ही, या ऐसे ही लोगों को ही नौकरी में रखा जाएगा, ये आ जाता है इसके तहत। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रावधान है, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक सामान्य सी जानकारी के साथ मैं आपके साथ बढ़ रही हूँ जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आते रहे और प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाए तो गलत आप ना करें और समझ जाएं कहां से पूछा गया है। इसके बाद आर्टिकल 17 आ जाता है, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध किया जाएगा। तो आर्टिकल 17 के तहत ही अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है, लेकिन संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा। सामान्य अर्थ में बात की जाए तो कोई छुआछूत से या पवित्र अपवित्र से लेकर के जो सामाजिक रूढ़ियाँ बसी हुई हैं उनके आधार पर अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी यह संरक्षण प्राप्त होता है, एक प्रकार का निरपेक्ष अधिकार है, इसका कोई अपवाद भी नहीं है। और इसके संबंध में संसद के द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 में निर्मित किया गया था और 1976 में ही इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। ये हो गया अस्पृश्यता के अंत से रिलेटेड आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 18 के बारे में जान लीजिए, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगाई गई है, अर्थात इस आर्टिकल में उपाधियों के अंत से रिलेटेड प्रावधान है। राज्य द्वारा सैन्य और शिक्षा क्षेत्र को छोड़ करके किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया है। भारत का कोई नागरिक है किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करता है तो विदेश राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार भी नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का अगर पद धारण किया है किसी व्यक्ति ने तो किसी विदेशी राज्य से के अधीन किसी प्रकार की भेंट दी जाती है, उपलब्धि दी जाती है, तो भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना वह स्वीकार नहीं करेगा। ये सारे जो प्रावधान हैं वो उपाधियों के अंत से रिलेटेड आर्टिकल 18 में दिए गए हैं। तो पहला भाग हमने क्लियर कर लिया है मूल अधिकारों में, जो कि है 14 से लेकर के 18 आर्टिकल तक समानता का अधिकार। आगे हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड बात करेंगे मूल अधिकार में। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, बार बार हम लोग डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं चाहूँ तो एक बार बस रीड करके ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है आप डिटेल में इसको पढ़ें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं अगली क्लास में आऊँगी, लेकिन आपको इसकी डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो देखनी है, अदर क्लासेस ज्वाइन करनी है या कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप SCS का ऐप डाउनलोड कीजिए और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट पा करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे UPP की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इजी है,
ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, डाउनलोड करेंगे और मात्र 100 रुपये में आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और सिर्फ 50 रुपये में टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ये कोर्स से रिलेटेड जानकारी, कोई भी डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए, कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ऐसे ही आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ।